नासर कैसा है? कई महीनों से उससे बात ही नहीं हुई। ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आपा ये नगेट्स लीजिए, मैंने खुद बनाए। वो तो मैं ले लूंगी भाई, लेकिन नगेट्स पे मुझे ना टरखाओ। हम तो खाना खा कर ही जाएंगे। वासत भी दुकान बंद करके इधर ही आ रहा है। कह रहा था मुमानी जान से कहना अच्छी सी बिरयानी बना दे, बल्कि कुछ और भी बनाना चाहो तो बना सकती हो। जी आपा, जरूर। बल्कि मैं तो कह रही थी कि आप शकील भाई को भी फोन कर दें, वो भी ऑफिस के बाद यहीं आ जाए, हम सब मिलके खाना खा लें। ना भाई, फिलहाल मैं और बासित है। शकील जी तो गए हुए हैं अपने दोस्त के बेटे की शादी पे। सच्ची बात बोलूं, आज खाना बनाने को बिल्कुल दिल नहीं था। मैंने सोचा तुम्हारी तरफ क्यों ना हो आऊं, तुम अकेली जो होती हो। नासर तो यहाँ है नहीं, तुम्हें पता है ना शोहर के हजार बिखेड़े होते हैं। शकील मियाँ को तैयार करके भेजने ना एक मसला है, जाने से पहले पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। वैसे तुम्हारी मौजें हैं, नासर इधर है नहीं, और ना तुम्हें कोई झंझट और ना कोई परेशानी। अल्लाह ऐसी मौजें किसी को ना दिखाए। अच्छा पापा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र होके काम करो, मैं ये नगेट्स खत्म करके अंदर जाऊंगी, टीवी पे अच्छा सा ड्रामा देखूंगी। रिमोट रखती जाना। जी जी आपा, जरूर। आपका अपना घर है, आपका जो दिल चाहे करे। ठीक है।